Good morning, students. You have been doing maths topic time for 2 days. I hope you have cleared some points in your mind as you did yesterday and the day before yesterday. We have a clock. All of you have clock in your houses. I hope all of you have seen that and observed that carefully. आपने उसको बहुत ध्यान से देखा होगा. We are having all the images which I explained to you. That is just like hour hand, minute hand, and the second hand that revolves at its fastest speed. जब सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड पे दौड़ता है वो कौन सा होता है? Second hand. Today we will continue our topic, but थोड़ा सा आगे जाएंगे उससे. हाउ इट हैपन्स. यस्टरडे वी डिड, कल क्या किया था हमने? 12 डिजिट्स होती हैं सब में. कैसे करते हैं? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. मिनट्स ऐसे काउंट करते हैं ना 5 के टेबल से. यस्टरडे वी डिड इट, किया था. ओके, अच्छी बात है आपको याद है. तो नेक्स्ट वन, अब हमें इसी क्लॉक को एक तो अपनी नोटबुक में एज इट इज ड्रॉ करना है. ड्रॉ करेंगे तो धीरे धीरे हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो टू ड्रॉ दिस. कैसे ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले एक छोटा सर्कल बनाना, उसमें डिजिट्स लिखने हैं, ये 1 2 3 12 तक. देन उसके अंदर आर एंड सबसे छोटा, फिर मिनट एंड कहीं भी ड्रॉ कर लेना है जहां आपको ठीक लगे. उसके बाद एक उससे बड़ा सर्कल ड्रॉ करना. ये चीजें बताने के लिए कि क्या कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, चलो अब आ जाते हैं एक बार अपनी रियल क्लॉक पे और साथ में इस क्लॉक को देखते जाएंगे. दोनों काम एक साथ चलेंगे हमारे, ठीक है बच्चा, ताकि आपको टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाए. अब देखो, आई टोल्ड इट टू यू कि जब हम 12 पे आते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वही टाइम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा आर हैंड है, देखो हेयर, मेरा आर हैंड जा रहा है 11 पे. किस पे है? 11 पे. और मिनट हैंड को मैं ले आती हूँ 12 पे. तो अगर मुझे टाइम बताना है तो देन हाउ विल आई टेल? इट विल बी 11 o'clock. क्या टाइम होगा मेरा? 11 o'clock. हाउ विल आई राइट? मैं कैसे लिखूंगी अब उसको? देखो क्या हुआ, पहले आर एंड 11 पे, मिनट हैंड 12 पे. तो इसको लिखूंगी कैसे? देखो इसे ऐसे लिखूंगी, इलेवन ओ क्लॉक, या फिर और इलेवन इस तरह से. ए एम पी एम डिपेंड करेगा कि ए एम अगर मॉर्निंग में है और पी एम अगर आफ्टरनून के 12 होने के बाद है. ए एम मॉर्निंग टाइम, पी एम इवनिंग टाइम. जैसे आप कह सकते हैं दोपहर को 12 o'clock हुए, उससे पहले वाले टाइमिंग्स को ए एम, और जो दोपहर को 12 o'clock हुए उसके बाद वाले टाइम को पी एम लिखते हैं. लेकिन 12 में ना ए एम आता है ना ही पी एम. 12 को एग्जैक्ट क्या लिखते हैं? 12 o'clock. क्या लिखते हैं? 12 o'clock ओनली, ठीक है बच्चा. ओके, अभी हमने एक चीज़ क्लियर की कि अगर मिनट हैंड 12 पे होती है तो हम उस चीज़ को कैसे लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. अब हमारी मिनट हैंड घूमनी शुरू हुई, अब ये आ गई 1 पे. तो क्या टाइम बोला था मैंने? 5 1s are 5. क्या बोला था?
फाइव वन सा फाइव, तो मेरा टाइम अब क्या हो गया, इलेवन फाइव, क्या टाइम हो गया, इलेवन फाइव। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, लिखा ना फाइव मतलब मिनट्स के लिए डॉट लगाएंगे और फिर आगे जीरो फाइव लिखेंगे। ऐसे ही अगर टू पे आ जाएगा तो इलेवन टेन, थ्री पे होगा तो फिफ्टीन, फोर पे होगा तो ट्वेंटी, फाइव पे होगा तो ट्वेंटी फाइव, सिक्स पे होगा तो थर्टी, सेवन पे थर्टी फाइव, एट पे फोर्टी। कैसे फोर्टी, आर एंड जहाँ होगा मिनट उसके आगे उतने लिख देंगे। मान लो नाइन पे है तो नाइन फोर्टी, क्लियर है ना बच्चा, नाइन पे है तो नाइन फोर्टी फाइव। फिर आर एंड मान लो टू पे है और मिनट एंड किस पे है, फाइव पे, तो आर एंड के हिसाब से टू और मिनट एंड के हिसाब से टेन, फाइव सा फिफ्टी। तो टाइम क्या हो गया मेरा, टू फिफ्टी, है ना क्लियर। इलेवन पे है तो फिफ्टी फाइव मिनट्स और ट्वेल्व पे है तो आपको वही बताया था मैंने अभी, टू डॉट्स लगा के जीरो, मतलब एग्जैक्ट वही टाइम हो जाता है। इस तरह से हमारा जो आर एंड होता है वो कितनी बार चक्कर काटता है, एक बार देखो, मॉर्निंग में शुरू हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्व, आफ्टरनून के ट्वेल्व बजा दिए उसने, फिर से वो इवनिंग के लिए सर्कल स्टार्ट किया उसने और नाइट के ट्वेल्व हो गए, तो मेरे 24 आवर्स कवर हो गए ना, तो कितने सर्कल लिए उसने, टू। आर एंड कितने सर्कल लेता है, टू। आर एंड्स कितने सर्कल लेता है, टू। और जो मिनट हैंड होता है वो एक आर में कितने सर्कल लेगा, एक आर में, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सोचो 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 सोचो। मिनट हैंड एक घंटे में कितने सर्कल कवर करेगा, एक सर्कल, क्योंकि वो पूरा सर्कल करेगा तभी तो 60 मिनट्स होंगे ना बच्चा, और 60 मिनट्स होते ही वन आर कवर हो जाएगा, और वो कवर होगा तभी तो आर एंड घूमेगा ना, यही समझाया था। देखो कल ये देखो, जैसे ये मेरी मिनट हैंड है, अब मैंने इसको वापस 12 पे रखा, अब साथ साथ ध्यान से देखना, ये देखो ये आई फाइव पे, हमारा आर एंड भी थोड़ा सा हिला ना, फिर आई टू पे थ्री पे, ये देखो अभी अपना सर्कल जैसे जैसे पूरी पूरा कर रही है, आर एंड भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ हिलती जा रही है क्योंकि उसको नेक्स्ट आर पे जाना है। ये देखो ये मिनट एंड ने अपना वन सर्कल कंप्लीट किया और आर एंड भी नेक्स्ट उस पे पहुंच गई, तो मिनट हैंड वन आर में वन सर्कल कंप्लीट करती है। और पूरे दिन में कितने सर्कल कंप्लीट करेगी, फिर ऐसे कितने आवर्स होते हैं, 24, तो मिनट हैंड इस तरह से 24 सर्कल्स कंप्लीट करेगी, मिनट हैंड इस तरह से 24 सर्कल्स कंप्लीट करेगी। आपको ये चीजें समझ के करनी है, क्लॉक को सामने रख के करनी है ताकि आपको पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी इस टॉपिक को थोड़ा और आगे करेंगे, सी यू टुमोरो, और कल इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ओके बाय बाय।